हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्तों। आज का वीडियो बेस्ड है सिर्फ एक सवाल के ऊपर, वो ये कि अगर आप कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप परचेज करते हैं जिसके अंदर ओरिजिनल लाइसेंस विंडोज OEM प्री इंस्टॉल आती है, और अगर आप उसे इन फ्यूचर के अंदर किसी भी प्रॉब्लम की वजह से फॉर्मेट करवा देते हैं, तो क्या वो पायरेटेड हो जाती है या फिर वो जेन्युइन ही रहती है? और अगर पायरेटेड हो जाती है तो क्या क्या कंडीशंस हैं कि जिनकी वजह से पायरेटेड हो जाती है जेन्युइन खरीदने के बाद भी, और अगर जेन्युइन रहती है तो कैसे उसे हम जेन्युइन हमेशा मेंटेन करके रख सकते हैं। तो ऐसे ही सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो देखते रहें टेक्नोबाजी। मैं रवि रावत आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई ऐसा लैपटॉप या डेस्कटॉप है जिसके अंदर प्री इंस्टॉल विंडोज OEM साथ में आई थी, लाइसेंस विंडोज साथ में आई थी, और अगर आपको किसी कारणवश उसका फॉर्मेटिंग करवाना पड़े, तो वो जेन्युइन रहेगी या पायरेटेड रहेगी, ये टोटली डिपेंड करता है इंस्टॉलेशन के मेथड के ऊपर। मैं थोड़ा आपको इजी वे में समझाता हूं। दोस्तों, जितने भी OEM लैपटॉप या डेस्कटॉप अभी मार्केट में हैं, उनके अंदर विंडोज की को बायोस के अंदर ही इंस्टॉल कर दिया जाता है। पहले क्या होता था, विंडोज 7 या XP के टाइम के अंदर आपको एक अलग से स्टिकर दिया जाता था जो कि आपके सिस्टम के ऊपर ही चिपका हुआ होता था, जिसके अंदर उसकी प्रोडक्ट की लिखी हुई होती थी। लेकिन विंडोज 8.1 के बाद में जितने भी सिस्टम मार्केट में अवेलेबल है, उनके अंदर स्टिकर नहीं चिपका हुआ आता है, बल्कि जो विंडोज आपके साथ में लाइसेंस मिली है आपको, उसकी की को मदरबोर्ड में ही इंस्टॉल कर दिया जाता है उसकी फर्मवेयर के अंदर। अब दोस्तों, अगर आपने कोई ऐसी विंडोज का इंस्टॉलेशन कर लिया जो कि ऑलरेडी प्री एक्टिवेटेड है, मतलब आपने कहीं से उसे थर्ड पार्टी सर्वर से उसे डाउनलोड किया और प्री एक्टिवेटेड विंडोज का इंस्टॉलेशन अगर आपने अपने सिस्टम में कर दिया, तो वो पायरेटेड हो जाएगी। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल सर्वर से उसे डाउनलोड करते हो आप अपनी विंडोज के इंस्टॉलेशन मीडिया को, और उसके बाद उस मीडिया से उसे इंस्टॉल करते हो, तो आपकी विंडोज जेन्युइन ही रहेगी। आप चाहे फिर उसे कितनी बार भी फॉर्मेट करवाएं या कितनी बार भी उसके अंदर इंस्टॉलेशन करवाएं, तो आपकी जो जेन्युइन विंडोज है वो हमेशा जेन्युइन बनी रहेगी। ये कैसे होगा वो मैं आपको भी बता देता हूं। जो थर्ड पार्टी अगर आप सर्वर से किसी भी ISO को डाउनलोड करते हैं दोस्तों, तो उसके अंदर के हो सकता है कि कुछ मॉडिफिकेशन किए हुए हों, या फिर उसकी जो ISO ओरिजिनल इमेज है उसके साथ छेड़छाड़ की हुई हो। लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल सर्वर से डाउनलोड करते हैं, तो उसके सेटअप के अंदर एक खास बात यह होती है कि वो इंस्टॉलेशन के टाइम पर ही आपके मदरबोर्ड की फर्मवेयर को चेक करता है कि उसके अंदर कोई इंस्टॉलेशन की, मतलब प्रोडक्ट की इंस्टॉल तो नहीं है। अगर उस समय उसको वो की मिलती है आपके मदरबोर्ड के ऊपर, तो वो की वहां से कैप्चर कर लेता है, और वो जिस एडिशन की है वो एडिशन ऑटोमेटिक उस विंडोज की इमेज में सेलेक्ट हो जाता है। सपोज कीजिए कि अगर आपने होम एडिशन के साथ विंडोज को परचेज किया है और जो मदरबोर्ड में है उसके अंदर होम एडिशन की इंसर्ट है। अब जब आप विंडोज 10 के इंस्टॉलेशन करेंगे, तो एक AIO इमेज होती है विंडोज की, उसके अंदर सारे एडिशंस एक ही इमेज में होते हैं। जब भी आप उससे इंस्टॉलेशन करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट आपकी फर्मवेयर को चेक करेगा, और उसके बाद अगर उसे विंडोज की प्रोडक्ट की मिलती है, तो प्रोडक्ट की देखेगा कि कौन से एडिशन की है, ऑटोमेटिक उस इमेज में से वो एडिशन सेलेक्ट हो जाता है। सेलेक्ट होने के बाद इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद जैसे आप उसे नेट से कनेक्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिक वो एक्टिवेट हो जाएंगे। इसके लिए आपको किसी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की या और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। आपका लाइसेंस विंडोज हमेशा लाइसेंस ही रहेगा, जेन्युइन ही रहेगा। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके फर्मवेयर के अंदर जो विंडोज की प्री इंस्टॉल है उसे आप कैसे निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं, तो आपको मेरी ये वाली वीडियो जरूर देखनी चाहिए। एक बात और, विंडोज 10 के जितने भी एडिशन है वो सभी डिजिटल लाइसेंस के साथ में आते हैं। मतलब एक बार अगर किसी सिस्टम के ऊपर विंडोज 10 डिजिटली एक्टिवेट कर ली गई है या फिर डिजिटल लाइसेंस वाली एक्टिवेट हो चुकी है, तो इसके बाद उस सिस्टम के ऊपर किसी भी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है उसे एक्टिवेट करने के लिए। सिंपली फर्स्ट टाइम आपने जिस एडिशन को एक्टिवेट किया है वो सेम एडिशन आपको हर बार इंस्टॉल करना होगा, और उसके बाद नेट से कनेक्ट करने के बाद वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगी। इसमें आपको कहीं पर भी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप डिजिटल लाइसेंस के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आपको मेरी ये वाली वीडियो जरूर देखनी चाहिए। जब हमारे पास इतनी सारी टेक्निक्स मौजूद है हमारी जेन्युइन विंडोज को जेन्युइन बनाए रखने की, तो ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से फॉर्मेट करने के बाद हमारी जेन्युइन विंडोज भी पायरेटेड में बदल जाती है? दोस्तों, सबसे पहली चीज तो ये कि अगर हम किसी अलग एडिशन का विंडोज का इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। दोस्तों, सपोज कीजिए कि आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के साथ में विंडोज 10 का होम एडिशन साथ में आया था, लेकिन अगर आपने उसको फॉर्मेट करवा के प्रो एडिशन इंस्टॉल करवा लिया, तो ऐसे में आपकी विंडोज एक्टिवेट नहीं होगी, क्योंकि आपके जो मदरबोर्ड है उसके अंदर जो की है वो होम एडिशन की है, और अगर आपने प्रो एडिशन का उसमें इंस्टॉलेशन करवा लिया है, तो वो की मिसमैच हो जाएगी एक्टिवेट करते समय, और वो एक्टिवेट नहीं होगी। उसके बाद आप किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे उसे एक्टिवेट करने के लिए, तो ऐसे में जेन्युइन खरीदने के बावजूद भी आप पायरेटेड का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो जाते हैं।
और दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है कि थर्ड पार्टी किसी सर्वर से हम विंडोज के इंस्टॉलेशन मीडिया को डाउनलोड कर लेते हैं। दोस्तों इसका खामियाजा हमें इस तरह से भुगतना पड़ता है कि उसके अंदर हो सकता है कोई वायरस हो, स्पाईवेयर हो, या फिर वो विंडोज प्री एक्टिवेटेड हो, तो ऐसे में जेन्युइन होने के बावजूद भी हम पायरेटेड इस्तेमाल करने लग जाते हैं। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट की साइट से डाउनलोड करने का एक सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि पहली बात तो वो वायरस फ्री इमेज होती है, और दूसरी चीज ये कि जो भी आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल सर्वर से विंडोज 10 का डाउनलोड करते हैं वो एक AIO इमेज होती है, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के जितने भी एडिशंस अवेलेबल है विंडोज 10 के वो एक सिंगल इमेज के अंदर ही इनबिल्ट होते हैं ISO इमेज के अंदर। अब आप जब भी उस इमेज से अपनी विंडोज का इंस्टॉलेशन करते हैं तो मदरबोर्ड से वो सेटअप की को फाइंड करता है और जिस भी एडिशन की विंडोज होती है वो एडिशन ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है और आपका विंडोज का इंस्टॉलेशन हो जाता है और उसके बाद नेटवर्क कनेक्ट करने के बाद एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन अगर आप किसी थर्ड पार्टी सर्वर से डाउनलोड करते हैं तो मोस्टली सर्वर पर क्या होता है कि सिंगल ISO इमेज होती है जिसके अंदर विंडोज का सिंगल एडिशन ही होता है। जैसे मान लीजिए किसी एडिशन के अंदर प्रो एडिशन है या फिर किसी में एंटरप्राइज एडिशन है और आपकी विंडोज आई थी होम एडिशन की। अब अगर आप उसके अंदर होम एडिशन का इंस्टॉलेशन के अलावा कोई भी और एडिशन इंस्टॉल करते हैं तो वो जेन्युइन नहीं रहेगी, पायरेटेड हो जाएगी। तो कुल मिला के आपको अपनी जेन्युइन विंडोज को हमेशा जेन्युइन बनाए रखने के लिए सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज तो ये कि हमेशा सेटअप जो डाउनलोड करें आप वो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल सर्वर से ही करें, किसी थर्ड पार्टी सर्वर से नहीं करें। और दूसरी चीज ये कि सेम एडिशन का ही इंस्टॉलेशन आपको अपने सिस्टम के ऊपर करना होगा, तभी आप अपनी जेन्युइन विंडोज को हमेशा जेन्युइन बनाए रख सकते हैं। दोस्तों आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल सर्वर से विंडोज 10 को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ये जानना है तो ये वाली वीडियो देखनी है। तो दोस्तों नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्नोबाजी को और मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, फ्रेंड को रिकमेंड करते हो तो शेयर भी जरूर करना। दोस्तों फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी टेक्निकल टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत दीजिए, जय।